नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है। पुलिस व हिस्ट्री सीटर के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में हिस्ट्री सीटर के पैर में लगी गोली। पुलिस चेकिंग के दौरान रोकने पर की गई फायरिंग। बाइक सवार दूसरा बदमाश अंधेरे में हुआ फरार। बदमाश सूरज सिंह पर दर्ज है एक दर्जन केस। पुलिस ने एक तमंचा व 4 कारतूस बरामद किए। घायल हिस्ट्री शीटर को कॉलेज ले जाया गया है। चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज को किया रेफर। कोतवाली देहात के रामपुर पुलिया के पास हुई है मुठभेड़। प्रयाग एक्सप्रेस ने उसके लिए प्रतापगढ़ से संवाददाता विनय तिवारी की रिपोर्ट। ये कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में SHO कोतवाली देहात और उनकी टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो रामपुर मुस्तखा के पास मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए। उनको रोकने का इन्होंने प्रयास किया तो फायरिंग करते हुए भागे। इन लोगों ने भी दौड़ाया और दौड़ा के इन्होंने भी अपने बचाव में फायरिंग किया तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश बाइक से फरार हो गया। जो बदमाश पकड़ा गया उसका नाम सूरज सिंह और बाप का नाम लल्लू सिंह है। ये कोतवाली देहात का ही मोहनगंज चौकी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर कुल 1 दर्जन करीब मुकदमे हैं जो चोरी, नकदी और हत्या के प्रयास के हैं। आर्म्स एक्ट में भी गया है। इस समय ये गैंगस्टर में वांछित था। इसके पास से 1 अदद तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। भागे गए बदमाश की शिनाख्त करके और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अन्य आवश्यक कार्रवाई।